जी इसके बाद हम जिस टॉपिक के ऊपर आने लगे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टू नो सबसे पहले कि रिटेलर कौन है सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी द डेफिनेशन ऑफ इट सो अ रिटेलर इज अ पर्सन इज एन एजेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन हु सेल एक्चुअली प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर टू द एंड यूजर तो हर वो शख्स हर वो इदारा जो के प्रोडक्ट्स को एंड कंज्यूमर को सेल कर रहा है वो रिटेलर है अब यहाँ पर यह बात जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं जब बात कर रहा हूँ फोकस कर रहा हूँ हर वो शख्स के ऊपर तो इट कैन बी एन इंडिविजुअल ऑल्सो जो कि प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है टू दी एंड कंज्यूमर इसी तरीके से मैं अगर अगले पार्ट के ऊपर जाता हूँ तो रिटेलर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर वी कैन ईजीली सी कि रिटेलर एक्चुअली परफॉर्म करता है वो तमाम एक्टिविटीज़ स्टार्टिंग फ्रॉम एंटिसिपेशन ऑफ़ कस्टमर नीड्स कस्टमर वांट्स वहाँ से लेकर इट इज़ एक्चुअली अबाउट बेशक वो असॉटमेंट के बारे में डिस्कशन है बेशक वो प्रोडक्ट की फाइनेंसिंग के बारे में है बेशक वो किसी भी हवाले से है तो इट इट इन्व ऑल स्टेप्स इंक्लूडिंग कस्टमर वांट्स डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट असॉटमेंट गेटिंग द मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन और लास्ट पार्ट फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोडक्ट एस वेल सो इट इंक्लूड्स ऑल स्टेप्स जो कि एक रिटेलर परफॉर्म कर रहा होता है इसी तरीके से अगर मैं आपको कुछ फैक्ट्स शेयर करूं अबाउट द टॉप रिटेलर्स इन द वर्ल्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर लोग रिटेल को ये समझते हैं कि शायद रिटेलर इज ओनली दैट पर्सन जो कि एक बहुत छोटा सा कारोबार है तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स यहाँ शेयर करने लगा हूँ अबाउट द टॉप रिटेलर्स इन द वर्ल्ड के बारे में आपको ये जानकर कर हैरानगी होगी कि द लार्जेस्ट रिटेलर इन द वर्ल्ड इज वॉलमार्ट एंड डू यू नो दैट इज द लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड ऑल्सो बाय रेवेन्यू और ये बात सबके लिए हैरान कन है दैट 486 बिलियन यूरो के डॉलर बिलियन डॉलर्स के रेवेन्यू के साथ वो इस टाइम के ऊपर ऑपरेट कर रही है दुनिया का वन ऑफ द टॉप एम्प्लॉयर्स में से है विद द 2.3 मिलियन एम्प्लॉयज इसका मतलब यह है कि अगर हम बात करते हैं रिटेलर की तो रिटेलर इज नॉट अ स्मॉल मशीन रिटेलर आपके सामने इट कैन बी अ बिग जाइंट लाइक वॉलमार्ट बट ऑन दर साइड रिटेलर कैन बी अ स्मॉल स्ट्रीट हॉकर ऑल्सो अ स्मॉल शॉप कीपर ऑल्सो जो कि किसी एरिए में किसी एक जगह के ऊपर लोकेट है आपके नियर बाय मोम पॉप स्टोर की तरह है जनरल और करियाना स्टोर की तरह है जो कि हमें अपने नियर बाय लोकेशन के ऊपर नजर आता है इसी तरीके से मैं अगर आपसे शेयर करूँ अबाउट सम फैक्ट्स ऑफ पाकिस्तानी मार्केट अबाउट द रिटेल तो पाकिस्तान के अंदर स्टिल वेरी ग्रोइंग कंट्री विद रिस्पेक्ट टू रिटेल पाकिस्तान के अंदर मार्केट साइज इज ऑलरेडी हंड्रेड एंड फिफ्टी बिलियन डॉलर्स ओवर देन दिस एंड देन वी आर ऑलरेडी ग्रोइंग विद अ फास्ट पेस ऑफ एट परसेंट पर एन एम और ये फैक्ट जानने के लिए आप ये समझें दैट दुनिया की दस बड़ी कंपनियाँ जो कि दस बड़े रिटेलर्स में से दो ऐसे रिटेलर हैं विच आर ऑलरेडी इन पाकिस्तान टू रिटेल इन पाइप लाइन टू कम टू पाकिस्तान जो रिटेलर ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद है दे आर हाइपर स्टार विच इज बाय द नेम ऑफ कारफोर ऑल्सो नोन इंटरनेशनली और इसी तरीके से मेट्रो कैशन कैरी ये दो बड़े रिटेलर हैं टॉप टेन रिटेलर हैं सो यू कैन ईजीली इमेजन द रिटेल की ग्रोथ रिटेल की प्रेजेंस इन टू द कंट्री अपकमिंग स्टोर आर ऑलरेडी देयर सो अब मैं आपको क्विकली गो थ्रू कराता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स को एंड आई वुड लाइक कि आप मुझे ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि ये एक रिटेलर है हम डेफ़िनेशन के पैरामीटर के ऊपर सारी डिस्कशन को उतारेंगे देखेंगे जो हमने सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ी थी कि हर वो शख्स और इदारा जो एंड कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है तो क्या वो रिटेलर है तो ये एग्ज़ाम्पल्स वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि क्या वाकई आप अपने आप से पूछें क्या ये वाकई रिटेलर है या ये रिटेलर नहीं है तो सबसे पहले जो आपको एग्ज़ाम्पल नज़र आ रही है वो एक शख्स है जो कि फ्रूट्स सेल कर रहा है सो so, अगर उसी डेफिनेशन के पैरामीटर के ऊपर हम उतारें तो अगेन क्योंकि ये प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमर को सेल कर रहा है और इसलिए ये रिटेलर के डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरता है आपके पास नीचे दो डेफिनेशन ऑलरेडी मौजूद हैं देखें अगर हम नीचे नेक्स्ट एग्जाम्पल को तो हमारे पास फिश की एग्जाम्पल है अगेन इसी तरीके से अ फिश सेलर है अ फिश सेलर इज़ व डूइंग वाट इज सेलिंग फिश टू एंड कंज्यूमर टू द एंड यूज़र अगेन ये शख्स है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर काम कर रहा है और अगेन एंड कंज्यूमर को सेल आउट करें डेफिनेशन के बेसिक पैरामीटर को पूरा करता है तो वी कैन से इट ऑल्सो के ही इज़ ए रिटेलर अगेन एक शख्स जो कि आपको नीचे एक कार्ट के ऊपर सामान बेचता फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बेचता नज़र आ रहा है तो ये शख्स कौन है अगेन डेफिनेशन के पैरामीटर के अकॉर्डिंगली ये भी एक रिटेलर है थोड़ा सा रिटेलर की अब हम इसकी कुछ और एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं आपको एक बेसिक पैरामीटर से बाहर निकाल के अगेन हम ये बात करते हैं हमारे पास आपको एग्जाम्पल में नजर आ रहा है वॉलमार्ट जिसके भी हम बात करें थे वन ऑफ रेनाउंड कंपनीज इज ऑल्सोर टेस्को इज इज ऑल्सोर अगेन ये फिजिकल स्टोर्स के हवाले से दे आर द रिटेलर अब हमारे पास दो एग्जाम्पल्स आपको लास्ट में नजर आ रही हैं फॉर एग्जाम्पल वन इज अमेजोन एंड सेकेंड इज ये वो सो एमेजॉन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगेन इंटरनेशनल रिटेलर इट इज़ ई रिटेलर विच इज सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसज टू दिन कंज्यूमर सो अगेन डेफिनेशन के पैरामीटर के ऊपर पूरा उतरता है सो इट विल बी अ रिटेलर ऑल्सो ये वो लोकल एग्जाम्पल अ प्रोजेक्ट बाय वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन द ऑर्गेनाइजेशन और अगेन इट इज़ अ रिटेलर बिकॉज दे आर सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द एंड कंज्यूमर कुछ और क्विक एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं और हम इस इस टॉपिक को फिर ख़त्म करते हैं ये डिस्कशन अगर आप देखते हैं हमारे पास आपको एक एग्जाम्पल नज़र आ रही है खाडी की सो अगेन खाडी कौन है दे आर द क्लोथिंग सेलर दे आर द टेक्सटाइल सेलर सो वट दे आर डूइंग एट द मोमेंट क्या ये शख्स या इदारा है जी बिल्कुल है क्या ये प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमर को सेल कर रहा है जी बिल्कुल है इसका मतलब ये है कि यह क्वालिफाई करता है हमारी डेफिनेशन के ऊपर सो वो रेडी वाले से लेकर वो इस ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर तक तमाम लोग रिटेलर हैं अब इट कैन नॉट बी ओनली खा सो बेशक वो जॉट जे डॉट है बेशक वो निशात है बेशक वो सफ़ायर है बेशक वो इर वो मेट्रो शूज़ है वो बाटा का स्टोर है और भी एग्जाम्पल्स यू विल फाइंड इट वो अलफ़ा है वो हाइपर स्टार है सो इट कैन बी एनी थिंग इट कैन बी एनी वन जो के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर एक शख्स है या एक इदारा है और एंड कंज्यूमर को सेल कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स को तो वो रिटेलर है ये सारी बात आपको हेल्प करेगी समझने में फ्यूचर के अंदर भी कि आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब डिसीजन लेना है जानने की कोशिश करनी है कि वो रिटेलर है या नहीं है तो आप इन एग्जाम्पल्स को अपने सामने रखें दिस विल रियली हेल्प यू टू सॉर्ट इट आउट